वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम् कैसुर सौरभ समाहित योगी चित्तम् हन्तुम् त्रिताप मनीषम् मुनिहंस सेव्यम् सनमान साली परिपीत पराग पुञ्जम् बन्दामु गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुपास सरस अनुरागा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारम बार मनाय गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय जीति मोह महि पालु दल सहित विवेक भुवाल करत अकंटक राजपुर सुख संपदा सुकाल सियावर राम चंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय गोस्वामी तुलसीदास की जय सब संतन की जय सब भक्त की जय 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 श्री सीताराम हर हर महादेव नमः पार्वती पते परम श्रद्धे राम और राम कथा के अनन्य अनुरागी श्रोता संसमाज वंदनीय विद्वज्जन पूजनीय गुरुजन आप सबके श्री चरण में आदर प्रणाम। हरि अनंत हरि कथा अनंता अखिल ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म स्वामी रामचंद्र जी स्वयं अनंत है वो कर पावन कथा अनंत है अकथनी है बोला जथामति आप सबके समक्ष रखे प्रयास करता हूँ जे में त्रुटि होना स्वाभाविक है ओकर बर में क्षमा प्रार्थी हूँ। आज एक अद्वितीय संजो जे के एल एम चारों के संदो जे से जे एस पटेल के से खेलू राम जी साहू यल से लल्लू राम वर्मा जुड़े और यम से एम आर ध्रुव जी और अद्वितीय संकलन कहना चाहिए पटेल जी के और ये कहना चाहिए श्री राम कथा ऑनलाइन सत्संग के ये सत्संग चैनल जे रोज 4:30 बजे चालू होते हैं 6:30 बजे तक चलते और ये कर विशेषता ये है कि आप घर बैठे एकर आनंद ले सकत हो चाहे जैसे पाए तो आओ ऐसन और निश्चित रूप से मोर बर में कहा रामचरित मानस में लिखे उत्तर दिशे सुंदर गिरी नीला लेकिन मोर बर उत्तर दिशे में उत्तर दिशे सुंदर भाटा पा रहा है यहाँ से राम कथा प्रवाहित हुआ थे आओ ले चलो आप सबला रामचरित मानस के द्वितीय सोपान अयोध्या प्रकाशा पितु आज्ञा रघुपति वनवासा जहाँ महात्मा राघवेंद्र सरकार छोटे भाई लक्ष्मण और जनक नंदनी यानी कि जी सीता श्री सीता जी के साथ में 14 वर्ष के लिए वनवास निकल चुके हैं। पश्चात भरत भैया अयोध्या में पिता के यथोचित क्रिया करे के पश्चात समस्त अयोध्या वासी लेकर के और चित्रकूट के यात्रा में जाते और जब चित्रकूट के नजदीक में पहुंचे और ओ मेरे बाबा तुलसीदास जी के चित्रण जिन बड़ा सुघर चलते कि वहां जाकर के देखते तो वहां राम राज्य के प्रथम दर्शन बाबा तुलसी के द्वारा यहाँ चित्रण करे जाते कि कहा जब देखे का भरत दीख बल बन शैल समाजो है ना और मुदित सुधित जन उपाय सुनाजो मानो कोनो प्रजा या भूख प्यास से व्याकुल हो और बोला सुंदर अनाज ना मिल जाए तो जीवन में तृप्ति के आनंद हो जाए और दूसरी तरफ इति भीति जन प्रजा दुखारी त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी
और ये अयोध्या में जो त्रिविध ताप दैहिक दंत भौतिक ताप है ना, ये सबके आप आगमन हो गए रही से, ये सबके समन राम राज नहीं काहू व्यापा, तो त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी। और वहां अवध साढ़े साती सज्जन सनि जन आगरी थे बोला, तो जाई सुराज सुदेश सुखारी, ऐसा सुंदर राज में जा करके और सब सुखी होते हैं, सुखी पश्चात हो ही भरत गति तैयार है। और तब बाबा तुलसी लिखते राम बास बन संपत्ति भराजा, राम जहां पर निवास करे है काबर अवध तहां जहां राम निवास हो तहां ही दिवस जहां भानु प्रकाश हो, तो भगवान राम बास बन संपत्ति और सुखी प्रजा जन उपाय राजा, और वहां के जो प्रजा है मानो सब स्वराज लपा करके सब सुखी हो गए। और उकर विशेषता का है तो कहीं सचिव विराग, वहां पर राजा के जिन छलिंग कह गए है उनमें वैराग्य ही मंत्री के रूप में विराजमान, सचिव विराग विवेक नरोश, और वहां के जिन राजा है विवेक है ज्ञान है और उत्तम और विपिन सुहावन, और ये जंगल और सुहावन पावन देश हो गए। फिर दूसरे के राजा तो है मंत्री भी है, तो कहन राजधानी कौन है भट जम नियम शैल राजधानी, यहाँ के पर्वत पावन राजधानी। और फिर रानी कौन है कहन शांति सुमति सुचि सुंदर रानी, शांति और सुमति बड़ा सुंदर रानी है। और ये प्रकार से सकल अंग संपन्न सुराव, सब प्रकार से समस्त अंग संपन्न है और राम चरण आश्रित चेचाओ। और ये प्रकार से चित्रकूट में आज सबसे पहले राम राज्य की स्थापना, महाराज दशरथ के तीन संकल्प रिथे राम राज मेला हूं, राम राज काली आई और राम राज के राजधानी अयोध्या बनी। राम राज्य वस्तुतः दशरथ जी के द्वारा नहीं बना, भरत के द्वारा थे। राम राज की राजधानी अयोध्या बाद में बन थे, पहली चित्रकूट बन थे और राम राज्य काली नहीं 14 साल बाद अयोध्या में आते। आओ तो यहाँ बाबा तुलसीदास जी बड़ा सुघर बात कहें कि जीति मोह महिपाल तल का मोह रूपी राजा ला, धरती में वर्तमान समय में देखें तो यत्र तत्र सर्वत्र मोह के राज्य दिखाई देते, तो जीत मोह में मोह रूपी राजा को अकेले नहीं केवल राजा रहे तो सैनिक मन भी है, उत्तराधिकारी मन अन्याचार अत्याचार पापाचार कर ही, तो बोला मोह रूपी राजा ला सेना के सहित जीत कर है ना, और क्या करें कि और जीत कर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है, उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल है। ये प्रस्तुत प्रसंग के शाब्दिक अर्थ ही से अब आवा, यही प्रसंग के माध्यम से हम आप कुछ अपन जीवन उपयोगी सूत्र जाने के प्रयास करें। सबसे पहली राजा के जते अंग है यहाँ सबके पूर्णता है, और बाबा तुलसीदास जी लिखे सुखी प्रजा जन उपाई सुराजु, प्रजा सुखी कब हो ही? जब किष्किंधा कांड में बाबा तुलसीदास जी संकेत करते भगवान राम लक्ष्मण के समक्ष कहते हैं पंकन रेणु सोह असि धरणी नीति निपुण जनिप के करनी, तो ऐसा जैन राजा के राज्य रही तो निश्चित रूप से वो राज्य में सुख शांति समृद्धि प्रति बढ़े, और पाय सुरेज सुरा पाय सुराज सुदेश सुधारी, सुंदर राजा और सुंदर देश पा करके प्रजा सुख शांति और समृद्धि के साथ निवास करते हैं। और यार ये चित्रण करते हैं विविध जंतु संकुल में राजा, अनेक प्रकार के जंतु मन करते हैं कब, और ये सब बढ़ते का बढ़ई प्रजा जन उपाय सुराजा, स्वराज पा करके प्रजा और यत्र तत्र सर्वत्र शांति समृद्धि की प्राप्ति होते। तो ये भरत जी ये प्रसंग के माध्यम से हमारे पूज्य गुरुदेव पंडित राम किंकर जी महाराज कहें, ये वास्तव में भरत जी के पंचकोशी यात्रा, पंचकोशी यात्रा कहें का है अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय और आनंदमय, ये चार पंचकोशी यात्रा भरत जी के द्वारा क्रेजत है। सबसे पहले तो भरत जी के द्वारा अन्नमय कोश के प्राप्त, भरत दीख बन शैल समाजु मुदित क्षुधित जन उपाय सुनाजु, मानो कोई भूखे प्यासे मत हुए और ऐसा व्यक्ति ला सुंदर अनाज के प्राप्ति स्वादिष्ट भोजन के प्राप्ति हो जाए, माने ये अन्नमय कोश की प्राप्ति। पश्चात भरत भैया प्राणमय कोश पहुंचते हैं कहा, राम शैल शोभा निरखी भरत हृदय अति प्रेम, ताप सतप फल पाई जिमी,
सुखी सिराने नेम, और तब ये प्रकार से भरत भैया जो है प्राणमय कोश में पहुंचते। ओकर बाद मनोमय कोश करत प्रवेश मिठे दुखदावा जन जोगी परमारथ पावा, और ये तरफ से अंततो चलते चलते अंततो गत्वा साधक ला परमार्थ के प्राप्ति हो जाते। तो करत प्रवेश मिठे दुखदावा जन जोगी परमारथ पावा, पश्चात विज्ञानमय कोश में भैया भरत पहुंचते और तब वहां कहा होते सानुज सखा समेत मगन मन अविसरे हर्ष सोख सुख दुगन, हर्ष विषाद से रहित हो जाना है, निर्विकार हो जाना है, और तब सबसे अंत में प्राण आनंदमय कोश में परम प्रेम पूर्ण दो भाई मन बुद्धि चित अहमिति विसराए, और तब वहां परम प्रेम के प्राप्ति और परम आनंद परमात्मा के प्राप्ति, मानो एक प्रकार से पंचकोशी यात्रा भरत जी के द्वारा करे जाते। और अंततो गत्वा वहां चित्रकूट में जब पहुंचे आज, तो वहां पे राम राज्य देख करके भरत के आनंद की सीमा नहीं है। तो सबसे पहली है जीती, जीतना कौन है तो हम आप जानथन भगवान राघवेंद्र सरकार जेला विभीषण गीता के नाम से हम आप जानथन जेला धर्मरथ प्रसंग कथन, वहां भगवान राम विभीषण से के सखा कि हमारे आपके जीवन में जन अनेक समस्या है, आंतरिक शत्रु, बाह्य शत्रु ला तो क्या है, बाह्य शत्रु हम लोग दिखाई देते, लेकिन आंतरिक शत्रु हमारा आपके जीवन में जन जो विजय प्राप्त करना है वो करवर का चीज की आवश्यकता है कि भाई जाके असरथ हो दृढ़ सुनहु सखा मत धीर, है ना, और महा अजय संसार रिपु जीत सके सुभी, ये संसार के जो शत्रु है ये ला जन जीत ली वही तो महावे वो वीर है। और रामचरितमानस में बड़ा सुंदर संकेत करते हैं कि हम बाह्य शत्रु से तो जीत, लेकिन पहली सबसे पहली आंतरिक शत्रु, और ये में कौन है आंतरिक शत्रु, तो जीती मोह, और मोहला अकेला नहीं जीतना है, वो कर महिपाल दल के जते कर दल है सब ला जीतना है। रामचरितमानस में मोह के अनेक रूप हमला और आपला देखेल मिलते, सबसे पहले तो कहीं मोह निशा सब सोवनहारा देख रहे सपन अनेक प्रकारा, मोह रात्रि है और मोह रूपी रात्रि में हम और आप सब सोए हुए हैं, और ये सो करके और अनेक प्रकार से सपना देखत हैं। दूसरी बात की मैं तय मोर मूढ़ता त्यागो और महामोह निसुतर महामुक्ति से उसे जागो, तो यहाँ रात्रि के समान है मोह। दूसरे कहें पिशाच के रूप में है, कहें सही असधम ग्रह से जो मोह पिशाच पाखंडी हरिपद में को जान ही झूठ न साच, तो यहाँ पिशाच के रूप में है। माया के रूप में जिन कृत महामोह मद पाना और तीन कर कहा करे ने का नाम, है ना, ये मदिरा के रूप में है। कीचड़ के रूप में भी यदि देखन तो मोह कीच के रूप में करो विचार बहोरी बहोरी मोह कलिल व्यापित मति तोरी, ये कीचड़ के रूप में भी मोह हमला दिखाई देते। मोह रोग के रूप में है, मानस रोग में हम आप देखन मोह सकल व्याधिन कर्मूल अधिन तेपुनी उपजे, ये समस्त दुनिया में जितने मानस रोग है हमारे आप के जीवन में समस्त मानस रोग के मूल है, और यह मूल है तो हम दारा पाना लगत को काटन विनाश होने वाला नहीं है जब तक मूलों ने निकाल दो। राक्षस के मूल रूप में यदि देखें तो मोह दस मौल इत भ्रात अहंकार पाप काम विश्राम हारी, ये राक्षस के रूप में है। महिषासुर के रूप में भी मोह कहेंगे महामोह महिषासुर बीताला राम कथा कालिका कराला, जलधि के रूप में है विशाल सागर के रूप में मोह जलधि बोहित तुम भय, मोह सागर के अंधत्व के रूप में है मोह न अंध किन्ह कहेगी मोह अंधरा कर देती। यदि हम श्रीमद् भागवत में या महाभारत के कथा में देखें तो धृतराष्ट्र ये मूर्तिमान मोह के प्रतीक है, है ना, तो अंधत्व के रूप में अंधकार के रूप में है जीव हृदय तम मोह विशेषी, अंधकार के रूप में भी मोह देखे जाते, और ग्रंथि छूट की में परई न देखी। ओकर बाद में बादल के रूप में है बार बरसा के जिन बादल जिन सूर्य आच्छादित कर देते, मोह महाघन पटल प्रभंजय संशय विनील अनल संशय विपिन अनल सुरंजन, ये प्रकार से मोह नदी के रूप में है विरति विवेक भगति दृढ़ करनी मोह नदी का सुंदर तरण, ये मोह नदी के रूप में भी दिखाई देते। दरिद्र के रूप में है दरिद्रता हमारे आपके जीवन में चाहे मानसिक दरिद्रता हो चाहे बौद्धिक दरिद्रता हो, तो कहे ना
मोह दरिद्र निकट नहीं आवा और लोभ बात नहीं ताहे बुझावा। ये मोह दरिद्रता के रूप में है, अज्ञानता के रूप में है हमारे आपके जीवन में। देह भूप मन हर्षित तज हूँ मोह अज्ञान, मोह में अज्ञान त्यागना है ना। जंगल के रूप में भी हम लोग आप लोग मोह दिखाई देते, मोह विपिन घन दहन कृषाणु संत सरोवर कारण भानु, ये प्रकार से जंगल के रूप में है। वृक्ष के रूप में मोह दिखाई देते, पुरुष कुजोगी जीवी उर्गारी मोह पिटप नहीं सके उपारे, तो ये प्रकार से वृक्ष के रूप में। और दूसरी तरफ आंजरे हनुमान लाल जी है रावण लगी सूल प्रद के रूप में, ये बहुत कष्टदायक है, नुकीला है। मोह मूल बहु सूल प्रद त्याग हु तब अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। और चोर के रूप में भी हम लोग आप दिखाई देते, मत्सर मान मोह मद चोरा और इन कर हुन कौन हो रहा, लेकिन ये राम राज्य में ये सब दूर हो जाते। तो ये मोह के अनेक रूप हैं और विशेष जिकर जिकर पास में मानस मंजरी हमारे बड़े गुरु जी पूज्य श्री चैतराम साहू जी के द्वारा रचित मानस मंजरी में ये मोह के अनेक रूप सब है। वर्तमान में मानस मंजरी भाग एक और भाग दो उपलब्ध है, कुछ समय में भाग तीन भी पहुंच चुके हैं प्रेस में, वो भी उपलब्ध हो जाए। तो ये मोह के अनेक रूप हैं और ये मोह से तो कहें कि जीति मोह महिपाल। अब यहाँ के मोहला जीतना है तो केवल अकेला नहीं जीतना है, उतर पूरा जतिक दल है तबला जीतबो तब कहीं जाकर के राम राज्य की स्थापना। तो रामचरित मानस में बड़ा सुंदर संकेत है कि सुर पर नखा जन और रामन के अगर वो सब लोग देखे प्रयास करन तो रामन के परिवार लोग देखे प्रयास करन तो रावण मूर्तिमान मोह है, मोह दस मौली तद्भ्रात अहंकार। उकर भाई जैन है कुंभकर्ण अहंकार और मोह और अहंकार में भाई के रिश्ता है। उकर बेटा मेघनाथ है जे काम के रूप है और साथ ही साथ बहन जो सूर्पनखा है वासना के रूप है। और तब भगवान राघवेंद्र सरकार के द्वारा सूर्पनखा के माध्यम से मानव लक्ष्मण के द्वारा चुनौती, जीव आचार्य लक्ष्मण के द्वारा चुनौती दे जाते। उकर बाद खरदूषण त्रिशिरा और आदि के जिन वध कर देते 14,000 राक्षस के वध माने ये फूल पत्ता डारा मन के सफाया करना। ओकर पश्चात मेघनाथ के वध होना माने का है ये डारा पाना जतेक है जतेक डाली है व्यती होती है ओकर विनाश कर देना। और तब कुंभकर्ण के वध, कुंभकर्ण के वध माने वो तना, वो मजबूत तना जेकर सहारे पूरा पेड़ खड़े है वो तना के विनाश हो जाना। और तब अंत में भगवान राम के द्वारा और मोह रूपी रावण के विनाश होना। तो ये सबोर जीतना है तो मोह जीति मोह मैं पाल दल। और हमारे वो आपके जीवन में बाबा तुलसीदास जी विनय पत्रिका में संकेत करते हैं, मोह जनित मल लाग विविध विधि कोटि हो जतन न जाहे, जन्म जन्म अभ्यास निरत रत अधिक अधिक लपता है। ये जन्म जन्मांतर से हर जन्म में अभ्यास है और ये अधिक अधिक लपता है। तो ये सबल दूर करेंगे पश्चात ये सबल जीत के। और तो ये जीतना कैसे, तो सबसे अलग अलग प्रकार से युद्ध हो है रामचरित मानस के विभिन्न प्रसंग के माध्यम से हम और आप देखें। सबसे पहले कुंभकर्ण, कुंभकर्ण जो मूर्तान अहंकार के प्रति है बोला भगवान राघवेंद्र सरकार के द्वारा अनेक बाण के प्रयोग कर सबसे वो पहले वो कर का है मुहला अनेक बाण से भरी सावर और लंका के रणांगन में लंकेश की जय, लंकेश राम की जय, लंकेश की जय भगवान की थे ये मरे समय लंकेश की जय कहते कर कल्याण होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले वो कर मुहला बाण से भर दिस ताकि वो लंकेश की जय या ककरो जय नहीं कर सके। पश्चात दो बाण के द्वारा उनका दोनों भुजों काटे जाते और ओकर पश्चात ओकर गर्दन लगाटे जाते और तब ये मोह के अहंकार के विनाश होते। पश्चात लक्ष्मण जी के द्वारा मेघनाथ काम पर विजय प्राप्त करे जाते। और तब अंत में तब कहीं जाकर के झाड़े सर 31 भगवान राघवेंद्र सरकार के 33 बाण के द्वारा अनेकों बार प्रहार करे जाते लेकिन फिर भी वो कर विनाश रहे हो। और अंत में जब विभीषण के द्वारा संकेतित उमा काल मर जात इच्छा है ना सो जन कर प्रीति परीक्षा, अंत तो भगवान राघवेंद्र सरकार ये देखना चाहते कि वास्तव में विभीषण या जीव ये चाहते का मोहला मानना। और तब जब
विभीषण के द्वारा नाभि कुंड पीयूष बसया के नाथ जियत रावण बलता के, और तब 31 बाण के प्रयोग भगवान राम के द्वारा जब करे जाते और तब जाकर के रावण यानी मोह रूपी रावण के विनाश होते। तो जीति मोह मही पाल दल, ये जते के पूरा दल सहित जब जीत है तो कहीं ओकर बात कहें सहित विवेक भुवाल, फिर राजा कौन हो। आज समस्या तो ही बात में है, आज जतेक भी हमार देश के कर्णधार हैं सब उच बात लगत है मोला राजा बना हूँ मोला जीता हूँ तभे तुम्हारा कल्याण हो, ही दूसरे के द्वारा कल्याण नहीं हो, माने सब कल्याण करे बर चाहते हैं लेकिन गलते कला भी देखन वो दूसरे के कल्याण तो बाद में करते अपन कल्याण पहले करते। तो यहाँ पर कहें सहित विवेक भुवाल, ये विवेक के रूपे ये ज्ञान ही राजा होना चाहिए भूपाल ये धरती के पालन करिया। काबर एक दृष्टांत सुनेल मिलते, एक बार यहाँ हमार आपके जगह में हर पंचवर्षीय में चाहे पंच हो सरपंच हो मंत्री हो विधायक हो प्रधानमंत्री हो राष्ट्रपति हो सबके चुनाव होते। तो एक बार जंगल वाले मन घलो कीन भाई हम मन है और सब जगह चुनाव होते हमारे में सदैव से चले आते बस जंगल के राजा शेर होते और वो स्थिति वो मनमानी करते तो हमारे यहाँ चुनाव होना चाहिए और तब ऊंचो एक बार चुनाव करेगी और जब चुनाव करेगी तब वहाँ बेंद्रा राजा बन जाते और जब बेंद्रा राजा बन जाते तो शेर कहते मोला कहना ना चुनाव लड़ना ना कुछ करना मैं स्वतंत्र राजा हूँ और मोला कहें। और तब एक दिन एक जन बोकरी आ करके और बंदर के पास में आ बंदर राजा के साथ में आके शिकायत करते महाराज महाराज दुहाई है दुहाई है। बंदर पेड़ के नीचे उतर के आकर के कहते बता बोकरी तोर का समस्या कहे महाराज मोर पीला ला ये बघवा हटक दे थे कुछ उपाय करो। अटका होकर बात ल सुनी और होकर पश्चात वो बंदर पेड़ के ऊपर में बैठ के पेड़ के ऊपर में चढ़ गए और एती होती छलांग लगावत बोकरी कहे बहुत देर हो गए आधा घंटा बीत गए और तब वो कहते महाराज आप मोर समस्या के समाधान नहीं करत हो आप वहां दूरी में ऊपर में पेड़ में का करत हो। और तब वो कही देख बोकरी तोर पीला के का होते तेला ते जान लेकिन जब से मैं तोर बात ला सुने है मैं चुपचाप बैठे नहीं हूँ मैं प्रयास करत हूँ एती ले ओती कूदत हूँ अब तोर पीला नहीं बचे तेल में क्या करूँ। तो ऐसनो राजा के कोई काम तो सहित विवेक भुवाल। अब विवेक के प्राप्ति हमारे आपके जीवन में कहाँ हुई तो बिन सत्संग विवेक न हो ये राम कृपा बिन सुलभ न सोई। हम राम राज्य की स्थापना सबसे पहली अपन जीवन में एक अपन कुटुंब में करें तो निश्चित रूप से कर सार्थकता है। तो हम लोग सबसे पहले विवेक की प्राप्ति कहाँ हुए तो कहने बिन सत्संग विवेक न हो। अब विवेक हो जाए तो कहा जाते कोई विवेक मोह भ्रम भाग हमारा वो आपके जीवन में विवेक जब होगी तो मोह और भ्रम भाग जाए और तब रह राम चरण अनुरागा और तब परमात्मा के चरण में हमारा वो आपके जीवन में अनुराग हो। दूसर तरफ के बिन सत्संग न हरि कथा ते बिन मोह न भाग। सत्संग में जाबो तो हम ला हरि कथा के प्राप्त हुई और ओकर बिना हमर अवाप के मोह भागने वाला नहीं। तो जी मोहम्मद पाल दल सहित विवेक भुवाल है ना ये दल सहित वो कर विजय प्राप्त करना है। विजय प्राप्त करके बड़ा रास्ता वही है कि है ना महा अजय संसार रिपु जीत सके सुबीर जेन हम बोले जीत ले तो फिर उकर बाद में विवेक रूपी राजा होना चाहिए। विवेक राजा के जब वो कहे वैराग्य के ऊपर नरेश हो शांति सुमति सूची सुंदर रानी हो भट जम नियम से ऐसा योद्धा भी होना चाहिए। राजा के योद्धा होना चाहिए ओकर बाद में कहें कि राजधानी विशेष होना चाहिए सैल राजधानी ये प्रकार से जब व्यवस्था है तो निश्चित रूप से वहां पर राम राजा ही। तो कहें जीत मोह महिपाल दल तो ये एक एक व्यक्ति अलग अलग प्रकार से और हरेक के लड़े के अलग अलग कला है। मानस रोग में ये सब मन लगे हैं अहंकार कुंभकर्ण अहंकार के प्रतीक है और अहंकार मानस रोग में कहे अहंकार अति दुखद डमरुआ ये डमरुआ रोग है। और दूसरा तरफ के संस्कृत मूल सूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना ऐशन तो का हमारा आपके जीवन में अभिमान नहीं रहना अगर रहे अभिमान तो निश्चित रूप से कैसन जैसन सुपिक्षण जी मांगी अस अभिमान जाय जन भोरे मैं सेवक रघुपति पत मोरे। अगर ऐसा अभिमान हमारे जीवन में है तो हमारे जीवन में
पूर्णता की प्राप्ति हुई ऐसा अभिमान रहे, लेकिन ये समस्त शोक प्रदान करने वाले अभिमान है और ये केवल और केवल हमारा बाप के जीवन में ये सबसे बड़े समस्या है। और अभिमान आते कहते थे जहां हम और आप प्रशंसा सुनथन बस वही तरफ से अभिमान के आगमन होते। तो ये अभिमान से बचे की उपाय का है तो हम अगर वो सुग्रीव के चरित्र देखें सुग्रीव जब कुंभकर्ण रणांगन से उठा करके और कांख में दबा के लेकर इसे रावण के चरण में लेके डाल हो और तब सुग्रीव का करे सौ के समान प्रतीत हो जाते तो हमारा बाप के जीवन में अभिमान आ जाए तो वो उस समय में यदि सब रीति आ जाए तो निश्चित रूप से हम और आप अभिमान से भी बच सकते हैं, कुंभकर्ण लग विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरफ काम मेघनाथ जो है काम के प्रतीक है और ये कामदेव कैसे युद्ध करते कल बल छल करी जाहे समीपा, कल से बल से छल से अनेक प्रकार से अदृश्य होकर के सामने आके अनेक प्रकार से और है ना को जग काम नचाओ न जाही, ये सब संसार में नचा रहे आयसन से भी बचना है तो ये सबोल जीत मोह महिपाल दल, ये सबोल यदि हम जीतबो तब का हो है? तो सहित विवेक विवाह और विवेक रूपी राजा ये शरीर रूपी साम्राज्य में जब राज्य करे तो निश्चित रूप से का हो जाए वहां राम राज्य की स्थापना हुई। सबसे पहले एक व्यक्ति में राम राज्य की स्थापना, फिर एक परिवार में राम राज्य की स्थापना और फिर एक समाज में राम राज्य की स्थापना और धीरे धीरे ये देश में राम राज्य की स्थापना हुई। शुरुआत एक व्यक्ति से तो ये शरीर रूपी साम्राज्य में राज करना है तो विवेक के भाव और तब कहें करत अकंटक राज और तब का हो कि निष्कंटक राज। काबर कंटक कहाँ से आ गए हैं ये मोह रूपी जो दल सहित है मोह रूपी राजा है वो सदल बल के साथ विजय है एकर विनाश हो जाए शत्रु के विनाश हो जाए माने निष्कंटक राज हो जाए करत कंटक राज फिर तब निष्कंटक राज हो और तब जीवन में कोनो समस्या नहीं है। जेल बाबा तुलसीदास जी राम राम राज्य के वर्णन करें दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहो व्यापा और वहां पर के विशेषता है कि सब नर कर ही परस्पर प्रीति जहां सब में परस्पर प्रीति है और वास्तविक में राम राज्य बहुमत के राज नहीं माने सर्वमत के राज्य है जहां सब एक दूसरे से प्रीति करें और यहां विशेषता का है कि वहां दुकाल कभू पड़बेच नहीं करे सुकाल समेसर ही काबर मांगे बारिद दे ही जग। आज वर्तमान समय में घरों की समस्या उठे एक व्यक्ति अपन बेटी के घर गिर और वोकर दो बेटी दो अलग अलग घर में रही थे दोनों बेटी के घर में गिर तो एक बेटी के घर में गिर और जब वहां से जान लगे तो किसे पिताजी बस अतके परमात्मा से प्रार्थना करवे कावर वो खपरा बना रहा है और इसने गर्मी के दिन में खपरा बना रहा है कह पिताजी ऐसने भगवान से निवेदन करवे कि मोर पानी मत गिरते ताकि मोर खपरा सुरक्षित रहे। हाँ बेटी करके आगे गई जब दूसर बेटी करेगी तो दूसर बेटी करेगी तो वोकर पास वो अपन जब वोकर से विदा लेते रहे थे और वो बेटी की थे पिताजी मोर फसल तब सुखाने वाला है और परमात्मा से ऐसा निवेदन करते हो ताकि वर्षा होती और मोर फसल बच जाती सुरक्षित रहती फसल लहलहाती। अब पिताजी दुविधा में है एक बेटी ला आवश्यकता है गर्मी के और एक बेटी ला आवश्यकता है बरसात के दोनों दुठन है और तब भगवान पर भगवान से प्रार्थना कहते प्रभु ये दोनों के मनोकामना पूर्ण करो माने यहाँ संकेत में ये था मांगे बारिद दे ही जल और विशेषता दूसरी सहित सकल बही बरबारी है ना सागर निज मर्यादा में राम राज्य के विशेषता ऋषि के सब अपन अपन मर्यादा में रही से और डा रहे रत्न तटिन्न नर रहे और वो तट में जाकर के नतन डाल दे मांगे बारी देही जल रामचंद्र के राज विधु महिपुर मायु खन ही रवि तब जतन का जतकर कनर सूर्य की गर्मी का आवश्यकता है उसके कण सूर्य से गर्मी मिले जत का कण झीला पानी का आवश्यकता है उसका कण पानी मिले तो ये प्रकार से निश्चित रूप से करत अकंटक राज निष्कंटक राज अब कोनो समस्या नहीं है। अन्यथा आज नीचे छोटे बड़े के तो बात चल छोड़ दो देवराज इंद्र लग हरों बार बार ये समस्या उत्पन्न होते कि मोर राज लग छीन तो ना ले
कोनो हड़प तो ना ले, कोनो जब तब आराधना तपस्या कर देखे। और यहाँ पर तो जितने मंत्री संतरी सब है ऊपर मन की समस्या, लेकिन यहाँ निष्कंटक राज काबर कोई शत्रु नहीं है। काबर जैसे शत्रु रही से मोह मोह रूपे महिपाव रही से बोला सदल है ना के दल सहित तो होकर विनाश हो चुके हैं, तो करत निष्कंटक राज। और तब यहाँ और विशेषता यहाँ जब जब से भगवान राघवेंद्र सरकार चित्रकूट में आकर के निवास करे तो सुख सागर राम जहाँ निवास करते वहां तो दुख के काम नहीं है। और तभी तो रहीम कवि ही बात लग करते चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, और जहाँ पर विपदा आत है सो आवत ए दे। कहकर कहना है कि भगवान राघवेंद्र सरकार चित्रकूट से कहीं गए नहीं है, चित्रकूट में ही रमी रहे हैं। और तब जैन कोनो व्यक्ति के ऊपर में अगर विपत्ति आते संकट आवत है तो वो कोहा चित्रकूट में आते। और बाबा तुलसीदास जी ने तो बहुत प्रिय है चित्रकूट के, कात भव भूंग तुलसी नकुल दसत ज्ञान हर लेत चित्रकूट एक औषधि चितवत कर सुदे। कहन भैया जैन प्रकार से सांप और नेवला के लड़ाई होते, सांप के कारण सांप के जहर के कारण नेवला जब घायल हो जाते सुस्त हो जाते और तब भागत भागत बीला में जाते, और बीला में कुछ ऐसा जड़ी रिथे जड़ी लगकर के ना शक्ति प्राप्त करे आ करे और वो सर्प लमान डरते। ये प्रकार से भव सागर जो है भव भुवंग तुलसी नकुल, ये संसार जो है सर्प के समान है और ये कलयुग के जीव है नकुल के समान है, जिन संसार रूपी सर्प से बार बार ग्रसित हो जाते। और तब चित्रकूट एक औषधि, चित्रकूट में भगवान के नाम रूपी भगवान के दर्शन रूपी भगवान की लीला रूपी वहां पर जस्ती है चित्रवत कर सके। तो ये प्रकार से चित्रकूट में राम राज्य के वर्णन बाबा तुलसीदास जी प्रस्तुत प्रसंग में करते हैं। एक बार आवश्यकता यही बात कहें कि जीत मोह महिपाल दल, हमारा वो आपके जीवन में जो मोह जो है अपन दल बल के सहित में विराजमान है, बोला हम जीतन और जीते वर हुई है। जिन धर्म रथ में प्रसंग बताए हैं सौर धीर रचा का सत्यशील दृढ़ में बाईस अंग बताए, एक पूर्णता हो और जब जाके असरथ हो ये दृढ़ सुनो सखा मत भेद, तो वह महा अजय संसार को, ये अजय संसार को है यहू ऊपर विजय प्राप्त कर सके। और ये प्रकार से जन भगवान राघवेंद्र सरकार विभीषण जी के समक्ष और ये अजय शत्रु से विजय प्राप्त करे के जन सूत्र बताए जो रास्ता बताए वो रास्ता में हम चलवो तो निश्चित रूप से कहा है कि हम ये मोह रूपी महिपाल दल बल सहित जीत करबोन और विवेक के राजा हो विवेक नरेश हो, और ये विवेक की प्राप्ति हमला और आप सत्संग के माध्यम से हुई। और यहाँ पर श्री राम कथा सत्संग रोज अनवरत के दो साल से चलत है, यह जैन जुड़े तो निश्चित हुए कभी न कभी सत्संग विवेक की प्राप्ति हुई। और ये विवेक के जब प्राप्ति हुई विवेक शरीर समरूपी साम्राज्य के राजा हो जाए तो का हुई करत अकंटक राज निष्कंटक राज होकर जीवन में रहे और राम राज्य की स्थापना हो जाए, जहाँ दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं हो व्यापा। और यहाँ के राम राज कर सुख संपदा वहां कोनो प्रकार के कोई कमी न हो, वर्णन सकई फणि सारदा राम राज्य के विशेषता बाबा तुलसीदास जी उत्तरकांड में लिखे। और वो सब आज यहाँ चित्रकूट के वो पावन दृश्य में भरत भैया दर्शन मिलते और जिन राम राज्य के उत्साह अयोध्या वासी मन है जिन चाहन कर कल्पना कर रही ने आज चित्रकूट में होकर दर्शन मिलते तो करत अंतक राजपुर सुख संपदा। और सबसे बड़े चीज है यहाँ सुका, यहाँ कलयुग बार ही कलयुग में बार ही बार दुकाल परे बिन अन्न दुखी सब लोग मरे, लेकिन यदि वो राम राज्य के नागरिक है तो निश्चित रूप से होकर जीवन में दुकाल आने वाला नहीं है, सतत निरंतर सुकाल रही। और एकर बार आवश्यकता तो यही बात के है कि ओकर पूर्णता कब हो ही कि राम राज्य के नागरिक बन जन बन जाए तो राम राज्य के नागरिक ला फिर और कुछ की आवश्यकता नहीं है। राम राज्य के नागरिक ला तो केवल और केवल कहना चाहिए परमात्मा के भरोसा परमात्मा के आश्रित और यथा राजा तथा प्रजा जिन बात कह गए है वो जैसा राजा हो वैसा ही प्रजा हो ही। ओकर बार कभी भैरव बड़ा सुघर बात लिखे का कि राम राज्य और राम का मर्म यही है, बनो देश के भक्त तुम्हारा धर्म यही है, रामानुज को बाण समर में सहना होगा
जनक सुता को कारागृह में रहना होगा। भारती जन भरत में हो त्याग विराग विचार में, भैरव तभी होता है राम राज संसार में, भैरव तभी होता है राम राज्य संसार में। तो हमारे वाक्य जीवन में वो राम राज्य आए एक बार बस आवश्यकता ये बात कहे। सत्संग हमारे जीवन में सतत निरंतर होगा होत रही तो निश्चित रूप से कभो न कभो हमारे ऊपर परमात्मा की कृपा मिली और सत्संग से विवेक की प्राप्ति और विवेक होगी तो ये शरीर रूपी साम्राज्य बहुत आसानी पूर्वक बहुत सुंदर और फिर निष्कंटक राज ये जीवन रूपी साम्राज्य में शरीर रूपी साम्राज्य में हो और वहाँ सुख संपदा सुख रामचरित मानस में अनेकों प्रकार के सुख है सर्वश्रेष्ठ सुख है ना कि हमारा जीवन में हो ऐसा तो और सुकार रहे यही मंगल कामना करत करत हरि अनंत हरि कथा अनंता परम पिता परमात्मा राघवेंद्र सरकार की कृपा हम सब पर सदा बने रहे ये मंगल कामना करत करत मैं परमानंद विराम दे बर जाता हूँ। कोनो प्रकार से त्रुटि हुई सो ही आप सब बहुत ध्यान से सुने सब प्रति मंगल कामना करत अपन वाणी ला विराम बोलिए से अवर रामचंद्र की जय।